तेरी, मैं तो भूल ही गया कि मैं इस समय बापू के भेष में हूँ। प्रेम से गले लगाकर तुम्हें आशीर्वाद दे रहा था पुत्री। क्या है कि भास्कर तुम्हारे विषय में बहुत बातें करता है, तुम्हारी प्रशंसा भी करता है। कभी कभी तो मन में विचार आता है कि यदि मेरी कोई पुत्री होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती, सुशील, संस्कारी, जैसे मेरा पुत्र भास्कर। बंद करिए अपने संस्कारी पुत्र की प्रशंसा करना। आपको ज्ञात भी है जिस संस्कारी पुत्र की आप प्रशंसा कर रहे हैं वो कितना बड़ा झूठा और दुष्ट है। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? हम उचित कह रहे हैं, संसार का विनाश नहीं होने वाला, फिर भी आपके पुत्र ने सबको झूठ कहा है कि संसार का विनाश होने वाला है। सब यही मान बैठे और हमारे पिताश्री भी ये मान बैठे। क्या मेरे पुत्र ने असत्य कहा? शिव 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 शिव, मुझे तो सोचकर भी लज्जा आती है कि मेरा भास्कर ये सब कर रहा है। मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। हम हाँ, आप उन्हें अवश्य दंड देना और हम अभी जाकर हमारे पिताश्री को सब सत्य बता देंगे कि संसार का विनाश नहीं होने वाला। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो पुत्री, भास्कर जैसा भी है तो मेरा पुत्र ही ना। तुमने यदि अपने पिताजी को सब सब कुछ बता दिया तो हो सकता है वो क्रोधवश मेरे भास्कर को प्राण दंड दे दे। थोड़े समय के लिए रुक जाओ, मुझे एक बार भास्कर से इस विषय में बात कर लेने दो, उसके पश्चात बता देना भास्कर के प्राणों का प्रश्न है। कदाचित आप उचित कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण जी। ठीक है, हम पिताश्री से कुछ नहीं कहेंगे, हम पिताश्री से भेंट करके आते हैं। मात्र भेंट ही करना है? जी पंडित रामकृष्ण जी, हम मात्र पिताश्री से भेंट ही करेंगे। क्या हम अब जा सकते हैं? हाँ, जा, जा। बच गया। कल कैकाला सत्य बताने वाला है जिससे मुझे ये ज्ञात हो जाएगा कि बापू कहाँ है। उसके पश्चात धूमकेतु का सत्य मैं स्वयं ही सबको बता दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे स्वामी, उत्तम, अति उत्तम। विजयनगरवासी देखिए, हम केश विहीन हैं। प्रणाम प्रणाम। ये क्या हो रहा है स्वामी? अंदर जाओ। आप क्या कर रहे हैं? अपना उपहास स्वयं क्यों उड़ा रहे हैं? उड़ने दो हमारा उपहास, बनने दो हमें हास्य का पात्र, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। और वैसे भी संसार कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो? यदि ये संसार समाप्त नहीं हुआ तो आपने विचार किया तब क्या होगा? समस्त विजयनगर के सामने आपने अपना उपहास उड़वाया, उसका क्या? यदि ये संसार नष्ट नहीं हुआ तो हम उस व्यक्ति के प्राण ले लेंगे जिसने हमसे ये झूठ कहा। अब विलाप करने से क्या लाभ? आभूषण पुनः तो नहीं मिल जाएंगे ना? बांटने से पहले सोचना चाहिए था ये सब। शारदा अम्मा उठा लो उठा लो, सब इसी का किया धरा है और अब दोष मुझ पे डाल रहा है। अब भी बताती हूँ इसे। अरे रुको 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 रुको, देखो डंडा कितना मोटा है और इससे लगती भी बहुत तेज है। सुनो सुनो शारदा अम्मा, मेरी बात सुनो, ये पूजा करने का समय है, इस समय हाथ में डंडा नहीं पूजा की थाल होनी चाहिए। तुम एक कार्य करो, पहले पूजा समाप्त कर लो, उसके पश्चात मुझे मार लेना जी भर के। हाँ जाओ पूजा कर लो। बापू, अब वो क्षण आने वाला है कि जब कैकाला दरबार में सब सत्य बता देगा कि तुम कहाँ हो, और फिर मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। राजा आप यहाँ?
और ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे देवता तुल्य पिता के चित्र पर खंजर से वार कर रहे हैं। ऐसे तो आपके दुष्कर्म और बढ़ जाएंगे महाराज। जितने बढ़ने हैं दुष्कर्म बढ़ने दो, हमने इतने दुष्कर्म किए हैं जिनका पश्चाताप 4-5 दिवस में नहीं हो सकता। किसी एक को मारा तो हत्यारा कहलाते हैं, हजारों लाखों को मारा तो महाराजा कहलाते हैं। अतः हमने भी ठान लिया है कि जितने भी कर्म हम हमेशा से करना चाहते थे करके रहेंगे, फिर चाहे वो सुकर्म हो या दुष्कर्म। आप करना क्या चाहते हैं महाराज? सर्वप्रथम तो हम पंडित रामकृष्णा का सर धड़ से अलग करेंगे, उसके पश्चात महाराज की हत्या कर विजयनगर के राज सिंहासन पर आसीन होंगे। बताओ पंडित रामकृष्ण कहाँ है? मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, मुझे ज्ञात नहीं है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। यदि अपने पुत्र का जीवन बचाना चाहती हो तो बताओ पंडित रामकृष्ण कहाँ है? महाराज आप कदापि भूल रहे हैं कि शारदा माँ ने मौन व्रत ले रखा है, ये बोलती नहीं है। किंतु तूने तो मौन व्रत नहीं रखा ना? महाराज मेरे लिए मेरे बापू और माँ दोनों ही आवश्यक हैं। आप मुझे बताएं तो सही कि हुआ क्या है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही बापू का पता चल जाएगा मैं उन्हें स्वयं अपने साथ लेकर आपके पास आऊंगा। भूलना मत, अन्यथा पिता और पुत्र दोनों के प्राण हम एक साथ ले लेंगे। समझ गया महाराज, किंतु इस समय तो आपको प्राण लेने की बात तक नहीं करनी चाहिए, ये भी तो दुष्कर्म हुआ ना। दुष्कर्म की तो बात भी मत करना, अन्यथा हम एक और दुष्कर्म कर देंगे तुम्हारे प्राण लेकर। संसार तो बाद में समाप्त होगा, पहले हम पंडित रामकृष्ण और महाराज का जीवन समाप्त कर देंगे। शारदा माँ, बापू को ढूंढने के लिए एक योजना बनाई थी, प्रतीत होता है उल्टी पड़ गई। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सहसा अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित करने के स्थान पर ये और दुष्कर्म करने की बात कर रहा है। कहीं उसे मेरी योजना के बारे में पता तो नहीं चल गया? किंतु अभी सबसे आवश्यक है महाराज के प्राणों की रक्षा करना। हमें किसी भी प्रकार महाराज को इस संकट से सचेत करना होगा। यदि कैकाला ने कल सबके सामने सत्य बता दिया तो क्या होगा? देखती हूँ वो अग्नि का गोला पृथ्वी की तरफ आ रहा या नहीं। भयभीत हो गई स्वामी? नटखट? मेरा नटखट पुत्र क्या कर रहे थे तुम? महारानी, स्वामी के साथ आपका वात्सल्य देखकर हमें अपनी माता की याद आ जाती है। महाराज हमारा मन ना बहुत उदास है। क्यों? हमारे मन में ये विचार आ रहे हैं कि अब ये संसार समाप्त होने वाला है, ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, उसके पश्चात हमें आपसे और स्वामी से बिछड़ना पड़ेगा। महारानी ऐसी बातें मत कीजिए, अन्यथा हमारे अक्षु बाहर आ जाएंगे। ये सब उस
आग के गोले के कारण है। देखते हैं आग का गोला कहां तक पहुंचा। महारानी एक बात कहे, हम इस आग के गोले यानी कि इस धूमकेतु को पिछले 4 दिनों से देख रहे हैं। ये वहीं का वहीं टिका हुआ है, ये तो पृथ्वी की ओर आ ही नहीं रहा है। कोई ऐसा तो नहीं कि संसार का अंत होने ही ना वाला हो? यदि ऐसा हुआ तो समस्त विजयनगर हमारे ऊपर हंसेगा, हमारा उपहास करेगा, हमें हमें केशवीहीन कहकर बुलाएगा। भास्कर, कोसते हैं हम उस दिन को जिस दिन हमारे साथ ये दुर्घटना घटी थी, वो भी उस भास्कर के कारण। कुछ निकल क्यों नहीं रहा? मुझे नहीं लगता कि अब इस स्थान पे पुनः केस आ पाएंगे। महाराज संभालिए अपने आप को, संभालिए। हमें ऐसा लगता है कि इस विषय में हमें किसी विशिष्ट खगोल शास्त्री से सहायता लेनी चाहिए। खगोल शास्त्री? मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी है। अपने प्राण बचा सकते हो तो बचा कर दिखाओ। वो देखो झाड़ियों की तरफ जा रहा है। अवश्य इन झाड़ियों के बीच वो कहीं छुपा होगा, किंतु वो बचेगा नहीं। ओ तेरी गए प्राण, प्राण समर्पण करने से अच्छा तो आत्मसमर्पण कर दू। प्राणों की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गले लगाने की खानदानी प्रथा है क्या तुम्हारे यहाँ? तुम्हारे यहाँ? हाँ, हमारे परिवार में इसी प्रकार गले लगाकर धन्यवाद बोलते हैं। हाँ हाँ, और पत्थर भी ऐसे ही फेंकते हैं। हमने देखा तुम महाराज की कक्ष की ओर पत्थर फेंक रहे थे। छुपाओ मत, हमने सब देख लिया। क्यों फेंक रहे थे पत्थर? महाराज के प्राण संकट में है, मैं पत्थर इसलिए फेंक रहा था ताकि वो अपनी सुरक्षा में वृद्धि कर ले। तुम्हें कैसे ज्ञात कि महाराज के प्राण संकट में है? है मेरे कुछ विश्वसनीय सूत्र जिनसे मुझे ज्ञात हुआ। तो तुम उनसे बता भी तो सकते हो ना? बताया क्यों नहीं? नहीं बता सकता ना, उन्हें बताऊंगा तो कई प्रकार के प्रश्न उठेंगे। तुम्हें कैसे ज्ञात, कब ज्ञात हुआ, कौन हमला करने वाला है और बिना जाने क्या क्या। ये प्रश्न तो हमारे हृदय में भी है कि तुमने पत्थर क्यों फेंका, किस लिए फेंका और महाराज के प्राणों को संकट किससे है। क्या मुझे ज्ञात नहीं? ज्ञात नहीं या फिर तुम हमें बताना नहीं चाहते? क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है? हाँ नहीं है विश्वास, क्योंकि तुम अपने पिताजी की पूछ हो,
मुझसे सुनकर सब कुछ अपने पिताजी के सामने गा दोगी, वो भी सप्तम सुर में। ये बात है, अब हम तुम्हें सप्तम सुर का राग सुना ही देते। सैनिको, सैनिको! अरे क्या कर रही हो, वो देख लेगा मुझे। चुड़ैल कहीं की, बताऊंगा मैं तुम्हें, रुक देखूंगा मैं, रुक। क्या हुआ देवी अम्रपाली? कुछ नहीं, हमें हमारे कक्ष की ओर ले चलो। स्वप्न था, स्वप्न था, एक भयानक स्वप्न देखा शारदा अम्मा। कैकाला ने महाराज के प्राण ले लिए। मैंने आज किसी भी तरह महाराज को सचेत तो कर दिया, किंतु आगे कब तक कर पाऊंगा? इस समस्या का कोई समाधान नहीं सूझ रहा शारदा अम्मा। अपने बापू से मांगो, ये देंगे तुम्हें समाधान। बापू सामने होते तो संकट ही उत्पन्न नहीं होता शारदा अम्मा। इन्हें ढूंढने के लिए जो योजना बनाई थी वो तो विफल हो गई। अब मुझे नहीं लगता कि कैकाला कभी भी ये बताएगा कि उसने श्री कृष्ण देव राय को कहाँ छिपा कर रखा है और बापू को किस स्थान पर बंदी बनाकर रखा था। बापू, कोई तो मार्ग होगा जिससे सत्य भी सामने आ जाए और मुझ पर दोषारोपण भी ना हो। पंडित रामाकृष्ण जी हैं। क्यों, क्या बात है? महाराज ने संदेशा दिया है कि वो शीघ्र ही विशेष खगोल शास्त्री को लेकर दरबार में उपस्थित हो जो उस धूमकेतु के विषय में बता सके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे बापू एक अत्यंत विशिष्ट खगोल शास्त्री को जानते हैं, तो वो कल उन्हें लेकर दरबार में उपस्थित हो जाएंगे। दरबार में सारे भेद न खोल दे। पंडित रामकृष्ण जी कहां पर है? वो किसी खगोल शास्त्री को यहां पर लाने वाले थे, आए नहीं अब तक। आइए पंडित रामकृष्ण जी। प्रणाम महाराज। जैसा कि आपने आदेश दिया था, मैं अंतरिक्ष के महाज्ञाता और अति विशिष्ट खगोल शास्त्री को अपने साथ लेकर आया हूँ। खगोल शास्त्री जी, उस धूमकेतु के बारे में आपका क्या विचार है, बताइए। महाराज, धूमकेतु हो या लाहु केतु, दोनों में ही केतु हैं। अर्थात धूमकेतु तो धूमकेतु है, जिसके आगे धूम और पीछे केतु, किंतु अगर मिला दिया जाए तो धूमकेतु बन जाते हैं। अरे कैसा खगोल शास्त्री है, कुछ भी उल जलूल बख रहा है। ये अत्यंत ही गूढ़ रहस्य की बातें कर रहे हैं महामात्य। बताइए धूमकेतु के विषय में, खुलकर बताइए सबको। हाँ, धूमकेतु पृथ्वी के पास आने से पहले ही अपनी दिशा बदल लेता है, और जब धूमकेतु पृथ्वी के पास आएगा ही नहीं तो टकलाएगा कैसे, और टकलाएगा ही नहीं तो विनाश कैसे होगा। अतः यह संसार समाप्त नहीं होने वाला है। क्या? Thank you.
महान गुरु ने भविष्यवाणी की है और हमने स्वयं दूरबीन से देखा है कि एक आग का धधकता हुआ गोला हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, और आप कह रहे हो कि पृथ्वी समाप्त नहीं होगी, ऐसे कैसे? एक क्षण, हमें लगता है कि हमने आपकी वाणी पहले सुनी हुई है। एक क्षण महाराज, एक क्षण महाराज। जिस वृद्ध व्यक्ति के खेत में धूम केतु का कण गिरा था वो कुछ ऐसा ही दिखता था, क्यों खगोल शास्त्री? मैं वो हाँ वो ये तो संयोग की बात है गुरुवर। वो कहते हैं ना कि संसार में एक जैसे दिखने वाले सात मनुष्य होते हैं। अवश्य होते होंगे, होते होंगे क्या, होते हैं, किंतु बोली उनकी बोली उसका क्या पंडित रामकृष्णा? क्या सातों के सातों तोतरे होते हैं? क्यों खगोल शास्त्री, बोलिए। नहीं नहीं, अब सातों तोतले नहीं होते, तोतले तो लाखों होते हैं, किंतु अभी आप धूमकेतु की चर्चा पर ध्यान दीजिए ना। होगी, इस पर भी चर्चा होगी, मात्र धूमकेतु पर नहीं, अभी तो इस राहु केतु पर भी चर्चा होगी। चर्चा होगी और फिर चर्चा पर चर्चे होंगे। छल किया है पंडित रामकृष्णा ने। देखा महाराजा, आप सदैव पंडित रामकृष्णा के गुणों का बखान करते रहते हैं ना। आज हमने ये सिद्ध कर दिया कि यदि पंडित रामकृष्णा डाल डाल है तो हम बात बात है। संदेह तो हमें बहुत पहले था महाराज, इसीलिए हमने जांच पड़ताल करके पता लगवा लिया था कि ये पंडित रामकृष्णा का मित्र गुंडप्पा है। जी गुरुजी। केशवीहीन राजा, मुकुटधार। बोले नीला तोता। यही वो तोता है महाराज जिसने महामात्य के गुरुजी से असत्य कहा कि संसार का विनाश होने वाला है, जबकि हम प्रारंभ से कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें स्वयं भगवान शिव ने कहा था। तोते और गुरुजी वाली बात भी इन्हें पता है, किंतु कैसे? गुंडप्पा, राजगुरु ने जो कहा क्या वो सत्य है? बताइए क्या वो सत्य है? भाजकल पे दोष ना लगे अतः मैं ही छपछुई काल कर लेता हूं। हाँ, किंतु मैं तो सिर्फ हटखेली कर रहा था। हटखेलिया, वो भी हमसे? हमारे महान गुरु का अपमान हटखेली है, महाराज के साथ छल हटखेली है, विजयनगर की पूरी प्रजा की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हटखेली है। महाराज, इसे इस अपराध के लिए दंड मिलना चाहिए। अग्नि का गोला अंतरिक्ष से तीव्र गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है,
अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि सब अपना अपना सत्य स्वीकार लें। देखिए, हम देश विहीन हैं। अवश्य मिलेगा, संसार का अंत हो रहा है। ये सुनकर हमने अपना केश विहीन सर समस्त विजयनगर को दिखा दिया। इस अपराध के लिए हम तुम्हें मृत्यु दंड देते। महाराज, क्षमा करें महाराज, किंतु इसमें गुंडप्पा का कोई दोष नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं दोषी हूँ। मैंने ही गुंडप्पा और इसके तोते की सहायता से महामात्य के गुरुजी को असत्य कहा था कि संसार समाप्त होने वाला है। महाराज, पंडित रामकृष्ण की बात मत मानिएगा। महाराज, ये अपने मित्र के प्राणों की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। और मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि विजयनगर के लोगों का भला हो सके। आप केवल एक बार ये इसका कारण जान लीजिए, उसके पश्चात आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार्य होगा। ये देखिए महाराज, जामनगर में 1 सहस्त्र चोरी और लूटपाट, भावनगर में 2 सहस्त्र अनैतिक कार्य और कृष्णनगर में प्रतिदिन सैकड़ों आपराधिक घटनाएं। और आपराधिक मामलों की सूची में सबसे ऊपर विजयनगर का नाम है महाराज। अब आप ही सोचिए महाराज, जब राज्य में इतनी आपराधिक घटनाएं होंगी तो राज्य उन्नति कैसे करेगा महाराज। इसलिए मैंने सोचा कि संसार समाप्त होने वाला है ये भ्रम फैलाकर मैं लोगों के भीतर का अपराधी और अपराध दोनों समाप्त कर पाऊंगा। और आप सबने देखा कि कैसे लोगों ने अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित किया महाराज। तो पंडित रामकृष्ण, आज आपने इसे खगोल शास्त्री के रूप में यहाँ लाने का स्वांग क्यों रचा? जब मैंने देखा कि विजयनगर की प्रजा में परिवर्तन आ गया है तो मैं आज स्वयं सबको ये सत्य बताने वाला था महाराज। किंतु महाराज, अपराध अपराध होता है, फिर चाहे वो भलाई के लिए हो या बुराई के लिए। और पंडित रामकृष्ण ने अपराध किया है, इसके लिए इन्हें दंड मिलना ही चाहिए, और वो भी मृत्यु दंड। देखिए, हम केश विहीन हैं। पंडित रामकृष्ण जी, अगर आपके अतिरिक्त कोई और व्यक्ति होता तो हम उसे मृत्यु दंड देते, किंतु अपराधी आप हैं, इसलिए हम आपको मृत्यु दंड नहीं देंगे। किंतु आपका दंड यह है कि आज के बाद आपका हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है कोई स्थान। राजगुरु जी, जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके कारण इतना बड़ा भेद खुला। राजगुरु तथाचार्य की जय। राजगुरु तथाचार्य की जय। राजगुरु तथाचार्य की जय। राजगुरु तथाचार्य की जय। हमने पंडित रामकृष्ण को पराजित कर दिया। हमारा बरसों पुराना स्वप्न आज पूर्ण हो गया। अब तो मंदाकिनी भी हमारी हो जाएगी। महाराज मेरी बात सुनिए। महाराज एक महारानी जी, हमें आपसे ऐसी आशा नहीं थी पंडित रामकृष्ण। आज आपने हम सबका विश्वास खो दिया है। नहीं नहीं महारानी जी, मैंने जो कि महाराज जी मेरी बात। पंडित रामकृष्ण, हम आपका बहुत सम्मान करते थे, किंतु आपने जो किया उचित नहीं किया। आपको आज रात अपने महल में बुलवाया है महामात्य ने। मेरे सत्य कहने से पहले दाता को यह सब कैसे ज्ञात हुआ? होना हो कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कैकाला का हाथ तो नहीं इसमें?
अभी तक तो हम पिता को पुत्र के विरुद्ध ही खड़ा करना चाहते थे, किंतु लगता है समय कुछ और ही कराना चाहता है। पंडित कितने भी बुद्धि लड़ा ले, किंतु पलड़ा तो हमारे बल का ही भारी रहेगा। आपने मुझे बुलाया महामत्य, मैंने सच में जो कुछ भी किया वो विजयनगर के हित में किया है। पंडित रामकृष्ण आप कितने बड़े मूर्ख हैं। विजयनगर के सबसे बड़े शत्रु से विजयनगर के हित की बात कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महामत्य? आपको देखकर हमें उस कबूतर की याद आती है जो बिल्ली को अपने सामने देखकर अपनी आंखें मूंद लेता है और सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा। आपको भी यही लगा कि आप जो खेल खेल रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा, किंतु आप भूल गए कि हमारी ये दृष्टि गिद्ध दृष्टि है, इससे कुछ नहीं छिपा है। समझे कि नहीं समझे? राजगुरु तथाचार्य को आपके खेल के बारे में कैसे पता चला? यही विचार आपके मस्तिष्क में कौंध रहा होगा ना? संदेह तो हमें उसी दिन हो गया था जिस दिन आप हमें अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए उकसा रहे थे। आपने महाराज को कहाँ बंदी बनाकर रखा है बताइए ना। उसके उपरांत हम अपने गुरु जी से भेंट करने गए। उनसे हमें ज्ञात हुआ उस तोते के विषय में जिसने उन्हें संसार के समाप्त होने की सूचना दी थी। और तब हमें वो वृद्ध तोतला याद आया जो अपने खेत में ले जाकर कह रहा था कि धूमकेतु का एक कण उसके खेत में आकर गिरा। सब बर्बाद हो गया, मेरी धरती, मेरा खेत, सब बर्बाद हो गया। और फिर हमें आपका वो मित्र याद आया जो तोतला भी है और जिसके पास ठीक वैसा ही तोता भी है। महामत्य वो मैं अभी हमारी बात समाप्त नहीं हुई है। एक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में ये भी है कि हमारे गुरु के विषय में आपको कैसे ज्ञात हुआ, परंतु ये भी समय रहते पता चल जाएगा। आपको लगा कि खेल की रचना आपने की है तो निर्णायक भी आप होंगे। निसंदेह खेल की रचना आपने अवश्य की, किंतु खेल का अंत क्या होगा तो हम तय करेंगे। हमने राजा कृष्णदेव राय को कहां बंदी बनाकर रखा है यही उगलवाना चाहते थे ना आप, परंतु खेल तो उल्टा पड़ गया। शिकारी खुद शिकार बन गया। हम चाहे तो इसी क्षण आपका सर धड़ से अलग कर सकते हैं, किंतु करेंगे नहीं, क्योंकि अति शीघ्र विजयनगर के नए महाराज सिंहासन पर बैठने वाले हैं और नए महाराज का राजतिलक तो आप ही करेंगे ना। नए महाराज को मुकुट भी आप ही पहनाएंगे और विजयनगर के नए महाराज बनेंगे हम। चिंता ना करें, प्राण तो हम आपके अवश्य लेंगे, किंतु एक बार नहीं, बार बार। विजयनगर की प्रजा आपको भगवान मानती है, आपका सम्मान करती है और उसी सम्मान में आपके प्राण बसते हैं। हम उसी सम्मान को अपनी तलवार से छिन्न भिन्न कर देंगे और वही प्रजा जो आपको पूज्य मानती है, आपकी पूजा करती है, उसी प्रजा ने यदि आपको तिरस्कार की भावना से नहीं देखा तो हमारा भी नाम का एक आला नहीं है। रोक सको तो रोक के दिखा।
जानते हुए कि एक बार मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी, आप फिर भी मेरे प्राण लेना चाहते हैं। अद्भुत महामात्य, आप महान हैं, आप सच में अद्भुत हैं महामात्य। आज मेरी दृष्टि में आपके लिए आदर और भी बढ़ गया। कैसे कर लेते हैं आप इतना सब कुछ, मैं तो कर ही नहीं पाता। आप अपने शत्रु को अवाक कर देते हैं। देखिए कैसे आज आपने अपना सबसे बड़ा भेद मेरे समक्ष खोल दिया। क्या आत्मविश्वास है, विशेष हैं आप तो, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं आप। हमारी महानता आपने अभी देखी कहाँ है पंडित रामकृष्णा, अभी तो देखते जाइए आगे हम क्या क्या करते हैं। आपके इस विजयनगर का अस्तित्व न मिटा दिया तो हमारा भी नाम कय काल नहीं है। अवश्य महामात्य, ये शुभकामनाओं की आरती है महामात्य। जैसा कि आपने कहा कि आप विजयनगर के सिंहासन पर आसीन होना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो मेरी ये शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। बहुत आवश्यकता पड़ेगी आपको इसकी। इससे पहले कि हमारे सब का बांध टूटे पंडित रामकृष्ण और हमारी तलवार आपके प्राण हर ले, आप यहाँ से चले जाइए। समझे कि नहीं समझे? समझ गया महामात्य, इस बार सचमुच समझ गया। मैं तो इससे ये पता लगाने निकला था कि इसने बापू को बंदी बनाकर कहाँ रखा था, किंतु ये तो मुझे खुलकर चुनौती दे रहा है। ऐसे में बापू के विषय में इससे कैसे पता लगा पाऊंगा मैं? रामकृष्णा, तुम्हारे और तुम्हारे मृत्यु के बीच की दूरी हर क्षण कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। कितनी बार आगाह किए, आप यहाँ इस तरह हमारे कक्ष के बाहर मत आया कीजिए। यदि महाराज ने आपको यहाँ देख लिया, यदि यदि उन्हें संदेह हो गया तो महाराज के प्राण जाते, और यदि संदेह नहीं होता तो भी प्राण जाएंगे, क्योंकि महाराज के प्राण जाने तो निश्चित हैं। एक बात और समझ लो, महाराज के प्राण हमने अभी तक इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि हम विवश हैं, क्योंकि महाराज की हत्या करके यदि हम विजयनगर के राज सिंहासन पर बैठ भी गए तो भी पंडित रामकृष्ण विजयनगर की प्रजा को हमारे विरुद्ध करने की क्षमता और शक्ति दोनों रखता है, इसलिए पहले पंडित रामकृष्ण के प्राण हरने आवश्यक हैं। और वो आप कैसे करेंगे? वही प्रजा जो आपको पूज्य मानती है, आपकी पूजा करती है, उसी प्रजा ने यदि आपको तिरस्कार की भावना से नहीं देखा तो हमारा भी नाम का एक आला नहीं। आपने क्या किया महामात्य? पंडित रामकृष्ण को खुली चुनौती दे दी। अभी आप ही ने कहा ना कि पंडित रामकृष्ण में इतनी क्षमता है कि वो प्रजा से विद्रोह करवा सकता है, फिर आपने ये क्यों किया? इससे अच्छा तो ये होता कि आप उसके प्राण ले लेते। यही तो अंतर है तुम्हारे और हमारे बीच में, हम किसी भी समस्या की जड़ तक जाकर उसे समाप्त करते हैं ताकि भविष्य में वो हमारे सम्मुख आकर हमारे लिए घातक सिद्ध ना हो। जैसे कि पंडित रामकृष्ण, आज यदि हम पंडित रामकृष्ण को मार देते तो वो सदैव के लिए विजयनगर की प्रजा के हृदय में अमर हो जाता। विजयनगर की प्रजा उसे भगवान मानती है, उसे पूजती है, इसलिए पहले पंडित रामकृष्ण का अस्तित्व मिटाना आवश्यक है, विजयनगर की प्रजा की दृष्टि में उसे गिराना आवश्यक है,
उसकी साख, उसकी उसका मान सम्मान सबको मिट्टी में मिलाना आवश्यक है। और उसके पश्चात हम पंडित रामकृष्णा के प्राण लेंगे। परंतु महामात्य, ये आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो तुम्हें पंडित रामकृष्णा के विरुद्ध महाराज के कानों में विष खोलना होगा और आगे की योजना भी हम अति शीघ्र तुम्हें बताएंगे। क्या दरबार? जाना है दरबार, किंतु समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उधर कैकाला ने धमकी दी है शारदा अम्मा, पता नहीं वो क्या करेगा। और उधर महाराज मुझसे रुष्ट बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पंडित रामकृष्ण जी, ये क्यों आ गई? जाओ संभालो उसे। अरे पंडित रामकृष्ण जी, पंडित रामकृष्ण जी भीतर है ना, मुझे उनसे कुछ आवश्यक कार्य है। वो विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ। वेंकटेश्वरा, ओह अच्छा अच्छा वो घर पर नहीं है। भीतर कौन है? पंडित रामकृष्ण जी, आप भीतर थे, किंतु इन्होंने तो कहा कि आप घर पर ही नहीं है। तनिक भी सब्र नहीं है ना तुम्हें? अब ये लीजिए, अब ये पुस्तक मैं आपके लिए लाई हूँ, जो आपने मेरे पापू को दी थी। प्रणाम, मैं चलती हूँ। जाओ। महाराज का मुझसे यूं क्रोधित होना सही संकेत नहीं है। मुझे कोई भी युक्ति लगाकर उनका क्रोध शांत करना होगा। ये सरासर अन्याय है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अन्याय वाली बात तो आप कर रहे हैं, मैं नहीं। मैं धन नहीं दूंगा। क्या हुआ भाई, बात क्या है? अच्छा हुआ आप आ गए पंडित रामकृष्ण, अब आप ही न्याय कीजिए। एक वर्ष पूर्व इनके पिताजी को वस्त्रों की दुकान में घाटा हुआ था और उन्होंने दुकान को चलाने के लिए मुझसे धन उधार लिया था। हाँ तो क्या हुआ? अब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है और ये चाहते हैं कि उनका लिया हुआ धन मैं चुकाऊं। ये कहां का न्याय हुआ? ये धन तो आपने उधार उन्हें दिया और वसूल मुझसे रहे हैं। किंतु वो धन तुम्हारे पिताजी ने अपने दुकान के लिए ही तो लिया था। पंडित रामकृष्णा, इनकी वस्त्र की बहुत बड़ी दुकान है जो अब लाभ में चल रही है। तो क्या हुआ, जब मैंने धन उधार लिया ही नहीं तो उसे लौटाने का कर्तव्य भी मेरा नहीं है, क्यों भाइयों? हां सही कह रहे हैं, हां सही कह रहे हैं। पंडित रामकृष्णा, इस समय मैं बहुत संकट में हूँ, मुझे अपने धन की अत्यंत आवश्यकता है, कृपया न्याय कीजिए। मुझे आपसे सहानुभूति है महोदय, किंतु इनका कथन भी सत्य है। जब इन्होंने आपसे धन लिया ही नहीं तो ये वो धन क्यों चुकाएंगे? धन तो इनके पिताजी ने लिया था और वो धन उन्होंने अपने वस्त्रों की दुकान पर लगा दिया, अतः आपका धन तो वहां है। आप एक कार्य कीजिए, आप इनके पिताजी की वो वस्त्रों की दुकान ही जला दीजिए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसे कैसे जला देंगे मेरी दुकान? तुम्हारी दुकान? किंतु वो दुकान तो तुम्हारे पिताजी की है ना? हाँ, किंतु पिताजी की मृत्यु के पश्चात वो दुकान तुम्हें विरासत में मिली है ना, तो उसका अधिकार मेरा हुआ। अच्छा, तुम्हारे पिताजी की विरासत का धन तुम्हारा, निवास स्थान तुम्हारा, दुकान तुम्हारी, लाभ तुम्हारा। तो जिस प्रकार अपने पिताजी की विरासत का लाभ तुम ले रहे हो, उसी प्रकार हानि भी तो उठानी पड़ेगी, अन्यथा छोड़ दो सब, दुकान धन लाभ सब कुछ। और जिस दुकान पर तुम अधिकार जमा रहे हो ना, वो तो हानि के कारण कब की डूब चुकी होती, किंतु आज यदि वो लाभ में है तो इस कारण, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे पिताजी को उस समय उधार दिया था, अतः वो धन उस दुकान में लगाया गया है और इस नाते तो उस दुकान पर इनका अधिकार हुआ। क्यों? नहीं नहीं, दुकान पर तो मेरा ही अधिकार होगा, मेरे पिताजी ने इनसे जो भी उधार लिया है उसे मैं चुकाने के लिए तैयार हूं।
इसे कहते हैं न्याय। पंडित रामाकृष्णा की जय। पंडित रामाकृष्णा की जय। पंडित रामाकृष्णा की जय। महाराज, महाराज राज दरबार में जाने के लिए विलंब हो रहा है, कहाँ हैं आप? महाराज हम अपना सर किसी को दिखाने के योग्य नहीं रहे। सोचिए महारानी, हम अपना सर लेकर कैसे जाएंगे दरबार में? सब लोग हम पर हंसेंगे, सबने हमें केशहीन देख लिया है। मैं तो विश्वास नहीं हो रहा अब तक कि कैसे हमने इस बात पर विश्वास कर लिया कि संसार समाप्त होने वाला है। पंडित रामकृष्णा, सबसे पहले तो तुम्हें पंडित रामकृष्णा के विरुद्ध महाराज के कानों में विष खोलना होगा। महाराज, संसार समाप्त होने वाली बात पर नहीं, आपने पंडित रामकृष्णा पर विश्वास किया है। आज यदि आप हास्य के पात्र बने, आज यदि ये समस्त विजयनगर आप पर हंस रहा है, तो उसके उत्तरदायी केवल पंडित रामकृष्णा है। अब उन्हें तो ये ज्ञात है ना कि आप उन्हें दंडित कर ही नहीं सकते। क्या? क्यों? क्यों नहीं कर सकते हम उन्हें दंडित, बताइए? क्योंकि विजयनगर प्रजा की दृष्टि में उनकी छवि सम्माननीय है। हमारी प्रजा आप जितना ही आदर करती है उनका, इसी बात का तो अहंकार है उन्हें। और महाराज, इसी अहंकार को हमें तोड़ना होगा। लेकिन कैसे? महाराज, आज दरबार में आप पंडित रामकृष्णा पे ध्यान ही मत दीजिए। प्रत्येक विषय में उनकी सलाह मत लीजिए, उनका सुझाव लेना बंद कर दीजिए, फिर स्वतः उनकी छवि धूमिल हो जाएगी और उनका अहंकार टूट जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं महारानी, पंडित रामकृष्णा के अहंकार को तोड़ने का समय आ गया है। अब देखिए, अब देखिए हम आपको कैसा कठोर दंड देते हैं। पंडित रामकृष्ण, क्या हुआ भाई, मुंह क्यों फेर लिया? पहचान नहीं रहे हो क्या? अरे, है मौन व्रत धारण किया हुआ है। अरे धनी चारे मनी चारे, कैसे हैं आप दोनों? अरे क्या हुआ? अरे भाग पा रहे हैं? अरे बात क्या है? कमाल है, आज कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? वेशभूषा तो बापू की ही है, फिर भी। बेचारा पंडित रामकृष्णा कल्पना भी नहीं कर सकता कि आज उसके साथ यहां क्या होने वाला है। गुरुवर, अरे क्या कर रहे हैं आप? चुप रहिए, दूर रहिए हमसे, दूर रहिए। हमसे वार्तालाप मत कीजिए, हमसे वार्तालाप करेंगे तो हम पर संकट आ जाएगा। संकट क्यों आएगा? आखिर बात क्या है? बात क्या है? अरे आपके कारण, आपके कारण महाराज के विषय में समस्त विजयनगर की प्रजा को ज्ञात हो गया है कि महाराज गंजे हैं, केशविहीन है। देखिए, महाराज ने हमें आपसे वार्तालाप करते देख लिया तो वो हमारी शिखा काट देंगे।
महाराज बाला कुमार की, 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 महाराज कुछ अधिक ही क्रोधित थे। क्या करूं, कैसे क्रोध शांत करूं? महाराज मैं कुछ कहने की आज्ञा चाहता हूं। कहिए। धन्यवाद महाराज। आज मैं आपके और समस्त राज दरबार के समक्ष अपना एक भेद खोलना चाहता हूं, और वो भेद ये है कि जिस समय मैं घबरा जाता हूँ ना, उस समय मैं कलाना आरंभ कर देता हूँ। महाराज आप कहना क्या चाहते हैं? यही महाराज कि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई कमी ना। कभी कभी ये कमी शारीरिक होती है तो कभी मानसिक, किंतु हमें कभी भी अपनी उस कमी के कारण लज्जित नहीं होना चाहिए, अभी तो उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हाँ संसार हमारी उस कमी पर हमारा उपहास उड़ाएगा, किंतु हमें घबराना नहीं चाहिए। महाराज मुझे देखिए, आज मैंने आप सबके सम्मुख अपनी एक कमी को स्वीकार किया। इससे ये सिद्ध होता है कि मुझमें साहस है। पंडित रामाकृष्ण, इस विषय में बात करने के लिए आपसे किसने आग्रह किया? आप इस विषय में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महाराज ने अपनी एक कमी का सत्य सबके समक्ष उजागर कर दिया महारानी जी। क्योंकि महाराज में भी साहस है, ऐसा साहस हर मनुष्य में नहीं होता महारानी जी। महाराज साहसी हैं, निडर हैं, सहनशील हैं। बस कीजिए, बहुत हो गया। आपकी इन बातों से महाराज के साथ जो कुछ भी हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। समस्त विजयनगर के सामने महाराज का उपहास उड़ा कि वो केशविहीन है, उसका क्या? किंतु महाराज अकेले तो केशविहीन नहीं है ना महारानी जी, लाखों लोग केशविहीन होते हैं। मुझे देखिए, मैं भी तो केशविहीन हूं। पंडित रामकृष्ण, आपने कहा कि आप साहसी हैं, परंतु इतना साहस भी उचित नहीं कि आप अपनी तुलना महाराज से करें। महाराज, महाराज न्याय की गुहार लेके आए आपके पास। महाराज क्या हुआ? महाराज ये मेरे भ्राता है, इनके पास महाराज अधिक धन नहीं है, परंतु फिर भी इन्होंने विश्वास करके एक व्यक्ति को एक दिन के लिए कुछ धन उधार दिया था, किंतु अब वो व्यक्ति वो धन लौटाने से इनकार कर रहा है, और इसी दुख में मेरे भ्राता ने कुएं में कूद कर अपने प्राण देने का प्रयत्न किया। महाराज प्राण देने में बुद्धिमानी नहीं है, बुद्धिमानी तो दोषी को दंड दिलवाने में है। आप चिंतित ना हो, ये राज दरबार न्याय का मंदिर है, महाराज के आशीष से सभी को न्याय मिलता है, आपको भी अवश्य मिलेगा। ये सब आप कह रहे हैं? यदि ऐसा है तो लौटा दीजिए हमारा धन। मैं लौटाऊं? जब आपने लिया है तो आप ही लौटाइए ना। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे कब धन लिया? महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मेरे भ्राता और ये बुद्ध धन, ये दोनों इस बात के साक्ष्य हैं। हाँ महाराज, मेरे सामने पंडित रामाकृष्णा ने इनसे धन उधार लिया था। हाँ महाराज ये सत्य कह रहे हैं। न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। महाराज की जय हो, न्याय कीजिए महाराज। अब आप सब लोग कौन है और आपकी क्या समस्या है, बताइए। पंडित रामाकृष्णा ने हमसे धन उधार लिया था और कहा था कि दो दिन में वापस कर देंगे, मगर अब मना कर रहे हैं। हाँ हाँ महाराज, अब मुझे ये पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं और मुझे धमका रहे हैं कि अगर मैंने इनसे धन मांगा तो ये मुझे दंड दिलवाएंगे। महाराज ये सब असत्य बोल रहे हैं।
असत्य कैसे? आपने मेरे सामने इनको ऐसा कहा है। अरे आप सब क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो हम नहीं पा रहे हैं पंडित रामाकृष्णा, ये हो क्या रहा है। चलिए माना कि कोई एक व्यक्ति असत्य बोल रहा है, चलिए ये भी माना कोई दो व्यक्ति आप पर झूठा दोषारोपण कर रहे हैं, परंतु ये कैसे मान लें कि सभी के सभी व्यक्ति असत्य बोल रहे हैं। पंडित रामाकृष्णा, इनमें से किसी भी व्यक्ति की आपसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता है? पंडित रामाकृष्णा, हम गरीबों पे दया कीजिए, हम कोई साहूकार नहीं है जो धन ब्याज पे दे, हम सब गरीब किसान हैं। आपने तो अपना सारा सम्मान खो दिया। महाराज छल किए इन्होंने हमारे साथ, कपट किए इन्होंने हमारे साथ। महाराज महाराज न्याय कीजिए, महाराज न्याय कीजिए। शांत शांत हो जाइए। पंडित रामाकृष्णा, आप तो अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाले सत्य के पुजारी हैं ना, तो फिर इतना बड़ा अन्याय करने से पूर्व आपने विचार तक नहीं किया? आप तो विजयनगर साम्राज्य के सम्मान हैं पंडित रामाकृष्णा, फिर आप इस सम्मान पर कैसे आंचाने दे सकते हैं? पंडित रामाकृष्णा, हम अपने स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने ऐसा किया होगा। क्षमा करें महाराज, किंतु सत्य तब तक सत्य नहीं कहलाता जब तक कि वो सिद्ध ना हो, और कोई भी दोषी तब तक दोषी नहीं हो सकता जब तक कि उसका दोष सिद्ध ना किया जाए। इसलिए मुझे भी दोषी ठहराने से पूर्व कुछ दिनों का समय मिलना चाहिए ताकि मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर सकूं, और यदि मैं स्वयं को निर्दोष नहीं सिद्ध कर पाया तो आप जो दंड देना चाहें मुझे दे सकते हैं। पंडित रामाकृष्णा, आपको अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए समय चाहिए ना? ठीक, हम आपको 3 दिवस की अवधि देते हैं, अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर सकते हैं तो कीजिए, किंतु यदि 3 दिवस के बाद आप अपने आप को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाए तो दंड के लिए तैयार रहिएगा। महाराज बाला कुमार की, महाराज बाला कुमार की, महाराज बाला कुमार की, महाराज बाला कुमार की, महाराज बाला कुमार की। ये क्या काला अत्यधिक प्रसन्न दिख रहा है, कहीं ये पूरा खेल इसी का तो रचा हुआ नहीं? दरबार में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे आप हैं। ऐसा चक्रव्यूह रचा है हमने कि चारों ओर हमारे योद्धा और बीच में तुम। ओ, तो इस चक्रव्यूह में मुझ पर दोष लगाने वाले योद्धा भी आप ही के? सत्य है, परंतु पूर्ण सत्य नहीं। अर्थात? अर्थात ये सत्य है कि ये सब हमारा किया धरा है, परंतु ये सत्य नहीं कि वो सब असत्य कह रहे हैं। दरबार में जितने भी फरियादी आए वो सब सत्य ही बोल रहे थे। तो वो सत्य हो कैसे सकता है? आज तक मैंने कभी किसी से कोई धन उधार नहीं लिया। पहेलियां बुझाने में महारत प्राप्त है ना आपको, तो बुझाइए पहेली। प्रकांड पंडित, महाविद्वान, अति बुद्धिशाली, इन्हीं सब नामों से पुकारते हैं ना आपको, तो आइए हम भी देखें कैसे आप अपनी बुद्धिमता का प्रयोग करके अपने ऊपर लगे आरोपों को असत्य सिद्ध करते हैं। क्या हुआ पंडित रामाकृष्ण, अभी तो ये एकमात्र सूक्ष्म सा आरंभ है और आपके मुखमंडल पर हवाएं उड़ने लगी। धीरज ना हारिए पंडित रामाकृष्णा, अभी तो बहुत कुछ आना शेष है। समझे कि नहीं समझे?
क्या होना शेष है? इसके कहने का तात्पर्य क्या था? अब कौन सी चाल चलने वाला है ये? बापू, मैंने तुम्हें खोजने का बीड़ा उठाकर तुम्हारा रूप धरा तो मुझे भी वैसा ही सम्मान मिला, किंतु अब ये कहकाला उसी सम्मान को अपमान में परिवर्तित करना चाहता है, तुम्हारी छवि को धूमिल करना चाहता है। समझ नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं? पंडित रामाकृष्णा ऐसा कृत्य करेंगे सोचा नहीं था। लोगों से धन उधार लिए हैं और अब चुकाने के नाम पर ना कर रहे हैं। कितना सम्मान था उनके लिए हम सबके हृदय में, किंतु अब। पंडित रामाकृष्ण जी, ये आपके विषय में किस तरह की बातें सुनने में आ रही है हमें? देखो, मैं भी उतना ही अवाक हूँ जितना कि तुम, किंतु सब असत्य है और मैं ये सिद्ध करके रहूंगा। कहिए देवी, मुझसे कोई कार्य है? ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप स्वामी? स्वामी? कौन स्वामी? किसका स्वामी? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? मुझे किस बात का दंड दे रहे हैं आप? आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। अरे, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे निष्ठुर मत बनिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझसे विमुख मत होइए। पत्नी? आप ऐसे आवाक क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। भाग नहीं रहा हूँ, दर्पण ढूंढ रहा था ताकि स्वयं को इसमें देख सकूं कि कहीं मेरी सूरत किसी और से तो नहीं मिल रही, क्योंकि जिसे देखो आज मुझे कोई और ही समझ रहा है और दोष पर दोष लगाया जा रहा है। मैं आप पर कोई दोष आरोपण नहीं कर रही हूँ, मैं आपको स्मरण करवा रही हूँ। आपका और मेरा मंदिर में विवाह हुआ था और परसों से आप लुप्त हैं। मैं तो आपको खोजती हुई यहाँ आ गई। ये लीजिए, देखो बहन। आपने मुझे बहन कहा, अपनी पत्नी को बहन कहा आपने। पंडित जी आप कुछ कहिए ना। पंडित गिरधर, ये क्या बोल रही है? हरिओम हरिओम, ऊंची थी तो कह रही है ये। आप दोनों का विवाह मैंने ही तो संपन्न करवाया था। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको ज्ञात है ना कि मैं पहले से विवाहित हूँ, तो दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूँ मैं? यही प्रश्न तो मैंने किया था कि आप तो विवाहित हैं, दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं? तो आपने कहा, पंडित गिरधर आप अपने कार्य से कार्य रखिए, हम दोनों का विवाह करवाइए, तो मैंने करवा दी। इतने विश्वास से कह रहे हैं, कहीं बापू ने तो नहीं? नहीं बापू ऐसा नहीं कर सकते, और उनका तो कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। पंडित जी, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि अपने इन्हीं का विवाह करवाया था? हरिओम हरिओम, देवी अमरपाली, मैं वर्षों से लोगों का विवाह करवाता आ रहा हूँ, और एक बार जिसका विवाह करवा दूं उसे मैं कभी नहीं भूलता। तो ये तो पंडित रामाकृष्णा हैं, संसार में एक ही हैं। है नहीं नहीं अमरपाली, मैंने किसी से विवाह नहीं किया है, ये अवश्य ही कोई षड्यंत्र है मेरे विरुद्ध। आपने हमारे विवाह को षड्यंत्र कहा? हाँ? आपको मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करना ही होगा। अरे ऐसे कैसे करना होगा? ठीक है, तो मैं राज दरबार जाऊंगी और महाराज से न्याय की गुहार लगाऊंगी और आपको अपना पति सिद्ध करके रहूंगी। पंडित रामाकृष्ण जी,
आप एक युवा पुत्र के पिता होकर ये सब? अरे नहीं नहीं अमृतपाली, मैं सत्य कह रहा हूँ। नहीं, रहने दीजिए आप। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। ओ तेरी, इसे कहते हैं संकट पर महासंकट। इसे भी अभी आना था और इसने तो अब सब सुन लिया। कांता, अरे कांता मेरी बात तो सुनो। कांता सुन। हे प्रभु, ये क्या काला तो मुझे दसों दिशाओं से अपने जाल में फंसाता ही चला जा रहा है। अब पता नहीं वो क्या क्या करने वाला है। क्या करूंगा, कैसे बचूंगा इस नए संकट से? पंडित रामकृष्णा, हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे, कदापि क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा करना भी नहीं चाहिए महाराज। पंडित रामकृष्णा ने ना केवल आपके साथ अन्याय किया है, उन्होंने उन सब लोगों के साथ अन्याय किया है जिनसे धन लेकर उन्हें वापस देने से मना कर रहे हैं। महाराज, एक सूचना है। राज दरबार में पंडित रामकृष्णा के विरुद्ध एक और मामला आया है, अतः हमें अभी राज दरबार में प्रस्थान करना होगा। एक और मामला? कैसा मामला? बहुत ही गंभीर मामला है। एक महिला ने उन पर आरोप लगाया है। कैसा आरोप? क्या? दो पत्नियां, दो विवाह? पंडित रामकृष्णा, अब हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे। आपने हमारा अपमान किया है पंडित रामकृष्णा। हम आपको ऐसा दंड देंगे कि हाँ, हम आपको केश विहीन करने का दंड देंगे। ये ठीक है महाराज? पंडित रामकृष्णा पहले से ही केश विहीन है। महारानी, हम उनकी चोटी कटवा देंगे, वो पूरे का पूरे केश विहीन हो जाएंगे। महाराज, मात्र इतने से दंड से क्या होगा? पंडित रामकृष्णा का अपराध बहुत ही संगीन है, उन्हें कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं महारानी, पंडित रामकृष्णा को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। अब देखिए उन्हें दरबार में हम क्या दंड देते हैं।